अब गाइस देखो, फ्री फायर में सिर्फ एक ही इवेंट ऐसा है जिसके अंदर में बहुत से रेयर बंडल और गन स्किन एक साथ बैग देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बंडल की बात करें, पर्पल सेट बंडल, आयरन ब्लड बंडल एंड साथ में डॉक्टर सेंटी बंडल, इस तरीके से ब्रेक डांसर बंडल और भी बहुत से रेयर बंडल बैग मिलेंगे। एंड साथ में अगर गन स्किन की बात करें, M1007 का स्किन रहेगा, MP40 रहेगा और भी रेयर गन स्किन आपको एक साथ में बैग मिलेंगे। अब उम्मीद है आपको मैं हिंट्स जो दे रहा हूँ उसमें आपको समझ में आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ रमादान उइस के बारे में। ये एक इतना बढ़िया इवेंट है जहाँ पर आपको रेयर से रेयर बंडल और रेयर से रेयर गन स्किन एक साथ में बैग देखने को मिलते हैं। दोनों बाई करने का ऑप्शन आपके पास होता है। तो इसलिए आज मैं इसी का कंफर्म डेट बताने वाला हूँ, रमादान उइस इस बार कब आएगा, किस कंफर्म डेट पे कौन कौन से आइटम्स हमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ जबरदस्त अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोग को एंजेलिक रॉयल अपने गेम के अंदर बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। फ्री फायर ने कोलैबोरेशन किया है पूमा के साथ, इसके बारे में भी आज आपको अपडेट्स मिलेगा। देन इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे अपकमिंग एक न्यू रिंग इवेंट के बारे में, जो कि आप सभी को बनी के स्पेशल अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब उसको बनी इवेंट के थीम पे तैयार किया गया है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। हां, कल मैं एक इवेंट कवर करने वाला था कि आफ्टर OB44 अपडेट सबसे पहले आपको अपने गेम के अंदर कौन सा इवेंट देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं बताया था। लेकिन कल टाइम नहीं मिल पाने के वजह से मैं उस अपडेट को कवर नहीं कर पाया था, लेकिन आज हम बताएंगे और शुरुआत इसी से करने वाले हैं। मजेदार बात यह है, तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेंगे अपने आने वाले गेम के अंदर कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, जिनमें पहला इवेंट होगा आफ्टर OB44 अपडेट। देखो आपको गेम के अंदर जो है 17 तारीख को गेम के अंदर अपडेट देखने को मिलने वाले OB44 का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जैसे आपको अपने गेम के अंदर अपडेट देखने को मिलेंगे, तुरंत उसके एक दो दिन बाद एक न्यू इवेंट भी आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले, जिसका नाम है पैराडॉक्स इवेंट। अब ये जो पैराडॉक्स इवेंट है, इसका सबसे खास बात यह है, ये किसी भी चीज को पर डिजाइन नहीं करा जा रहा है, ये गरना वाले खुद से बना रहे हैं और अपने गेम के अंदर दिए जाएंगे, बस गेम को चलाने के लिए और गेम के अंदर क्रेज बनाने के लिए। अब जैसे कि कुछ टाइम पहले आपको केओस इवेंट देखने को मिला था, वो किसी चीज को पर डिजाइन नहीं किया गया था, गरना वाले ने खुद से तैयार किया था, वैसे ही इस बार आपको पैराडॉक्स इवेंट देखने को मिलेंगे। उसके थीम पे आपको अपने गेम के अंदर न्यू इवो बंडल देखने को मिलेंगे एंड काफी सारे फ्री का रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और न्यू इवो बंडल के साथ में कुछ और भी आइटम्स गरना वाले लाएंगे गेम के अंदर, जिसको कि गरना वाले अपने रिंग इवेंट के अंदर अवेलेबल कराएंगे, ताकि जब आप लोग इवो बंडल के लिए स्पिन करो और उन आइटम्स को दिया जा सके, और ताकि इवो बंडल के लिए थोड़ा डायमंड गरना वाले काट सके। मतलब अगर कुछ भी आइटम्स नहीं रहेंगे तो आप लोग इजीली इवो बंडल को बाई कर लोगे, लेकिन अगर उसके साथ में कुछ और भी आइटम्स रहेंगे तो उसको बाई करना पड़ेगा, उसको पहले दे दिया जाएगा, इसलिए डायमंड आपका थोड़ा ज्यादा खर्च होने वाले है। तो इसी तरह चीज की वजह से गरना वाले कुछ और भी आइटम्स को देंगे अपने इवोल्यूशन बंडल के साथ में। वैसे आपको मैं इवो बंडल का रिव्यू इसके पहले कराया था, आप लोग यहाँ पर एक बार इमेज देख लो कि कैसा अपना इवो बंडल देखने में होने वाले हैं। दो कलर आपको देखने को मिलेंगे, पर्पल कलर और येलो कलर, जिन दोनों कलर का इवो बंडल आप लोग यहाँ पर इमेज के अंदर देख पा रहे हो। तो ऐसे ही कुछ अपना न्यू इवो बंडल आपको अपने गेम के अंदर नजर आने वाले हैं। काफी जबरदस्त बंडल को तैयार किया गया है। अभी तक बंडल का जो फुल रिव्यू है, मतलब वीडियो क्लिप के जरिए, वो अभी तक निकल कर आया नहीं है, बस इसका ट्रेलर निकल कर आ गया था, लेकिन वहां पर बंडल क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए आपको मैं इमेज दिखाया था कि आपको बंडल बिल्कुल क्लियर दिख जाए। तो कैसा लग रहा है आप लोग इवो बंडल बताना कमेंट बॉक्स में। खैर आओ गाइस, इसके साथ में अब हम जरा आगे बढ़ते वीडियो में, बात करते हैं फ्री फायर गेम में होने वाले नेक्स्ट कोलैबोरेशन इवेंट और एक एंजेलिक रॉयल के बारे में। असल में दोनों एक साथ में जुड़ा हुआ इवेंट है। देखो ऐसा है कि फ्री फायर ने कोलैब किया है पूमा के साथ, और उसी पूमा कोलैबोरेशन इवेंट के थीम पर आपको एक न्यू एंजेलिक पैंट या फिर तुम कह लो एंजेलिक का पूरा बंडल तैयार किया गया है। एंजेलिक तो तुम नहीं कह सकते उसको, एंजेलिक प्लस पूमा दोनों को मिक्स करके एक बंडल को तैयार किया गया है, और ऐसे एक न्यू स्पेशल लक रॉयल इवेंट बहुत जल्द आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। अब कैसा रहेगा आप लोग सिंपली यहाँ पर उसका जो बैनर है वो देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको एक बंडल दिख रहा है येलो कलर का बना हुआ, और असल में पूमा के साथ एंजेलिक के साथ दोनों को मिलाकर इस बंडल को तैयार किया गया है। और साथ में दो आप लोग को और एंजेलिक पैंट देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग को व्हाइट कलर में देखने को मिलने वाले हैं, एंड एक एंजेलिक शूज दिया गया है। बाकी आइटम्स का रिव्यू वगैरह आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। बंडल काफी जबरदस्त आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं, काफी शानदार इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिया गया है बंडल के अंदर, देखने पर बंडल बढ़िया लग रहा है वैसे। और जो व्हाइट एंजेलिक पैंट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, वैसे तीनों आइटम्स न्यू आइटम्स है अपने गेम के अंदर आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अदर सर्वर के अंदर ये आ चुका है बहुत पहले, बट अपने गेम के अंदर ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। सो डेट इसका कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द आपको ये स्पेशल लक रॉयल इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जिनको व्हाइट एंजेलिक पैंट या फिर न्यू पूमा के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ बंडल बाई करना है। आप लोग डायमंड वगैरह जमा के रखिए, बहुत जल्दी स्पेशल लक रॉयल आ जाएगा, तो इसके अंदर सब लोग इजीली बाई कर सकते हो उन आइटम्स को, मतलब जो आइटम्स दिए जाएंगे। अप्रोक्स अगर हम कुछ डायमंड की बात करें, कुल मिलाकर अगर आप लोग 2000 तक डायमंड खर्च कर सकते हो, तो आप लोग को इजीली एक नेक एंजेलिक का पैंट जो है दे दिया जाएगा अपने स्पेशल लक रॉयल के अंदर से, और एक आइटम आपको एक ही बार मिलेगा, दूसरी बार उन आइटम्स को नहीं दिया जाएगा, मतलब डायमंड आपका एक्स्ट्रा खर्च नहीं होने वाले हैं। खैर आगे बढ़ते वीडियो में, बात करते हैं बनी स्पेशल एक न्यू रिंग इवेंट के बारे में, और थोड़ा मोटा अपडेट हम कवर करते हैं बनी के ऊपर भी। गाइस जैसे कि सिंपली आप लोग यहाँ पर रिव्यू देख पा रहे हो अपने एक न्यू रिंग इवेंट का, एंड ये असल में बनी इवेंट के थीम पे तैयार किया गया है। कैंडी बनी एक नेम से आप लोग को MP5 गन स्किन देखने को मिलती है, डबल डेट ऑफ फायर एंड साथ में सिंगल रीलोड स्पीड इसके अंदर एट्रीब्यूट दिया गया है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर बंडल देखने को मिलते हैं, दो इमोट देखने को मिलते हैं, एक ग्लू वॉल का स्किन देखने को मिलता है। तो असल में ये कुछ ऐसे आइटम्स जो कि आप लोग को बनी स्पेशल अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखो आपको पता है कि बहुत टाइम से बनी इवेंट को पेंडिंग रखा गया है, बनी के तीन बंडल्स को भी पेंडिंग रखा गया है, मतलब कि आप लोग को बनी स्पेशल जो ब्लैक बनी देखने को मिला था और उसके अलावा जो बाकी तीनों बनी बंडल था उसका भी तक पेंडिंग रखा गया है। इस बार भी
भी एक न्यू बनी बंडल को तैयार किया था OB43 अपडेट स्पेशल। सो इन आइटम्स को लेकर करने वाले जो अपने गेम के अंदर आपको देने वाले आफ्टर OB44 अपडेट, ठीक है। तो वैसे कैसे अगर हम देखें तो भाई देखो आफ्टर OB44 अपडेट आपको अपने गेम के अंदर दो तरीके से इवेंट देखने को मिलेंगे, मतलब दो अलग अलग इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। पहला है पैराडॉक्स इवेंट और दूसरा है अपना बनी इवेंट। तो ये दोनों इवेंट आपको आफ्टर अपडेट गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बनी के स्पेशल जो आइटम्स आपको मैं दिख रहा हूं, शायद इन आइटम्स को भी अपने बनी स्पेशल लॉकर वॉल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो खैर गाइस फिलहाल आओ आगे बढ़ते वीडियो में, बात करते हैं रमादान विश के बारे में। अब देखो गाइस आपको यहां पर मैं रमादान विश का रिव्यू दिखा दे रहा हूं। सबसे खास बात यह है कि आप लोग को यहां पर रमादान विश के अंदर काफी सारे रियर बंडल और गन स्किन बैक मिलते हैं। जैसे कि पिछले साल हमको देखने को मिला था अपना ब्रेकडांसर बंडल, बनी, MP40 यहां पर बैक दिया गया था। अब वैसे तो ब्रेकडांसर बंडल कुछ टाइम आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिल गया था, मतलब कुछ टाइम पहले उसको दिया गया है। तो आप लोग को यहां पर जो गन स्किन है और जो बंडल है वो काफी सारे रियर देखने को मिलेंगे। ब्रेकडांसर अकेला तो रियर है नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे रियर बंडल आपको देखने को मिलने वाले इस बार। अब आप लोग यहाँ पर रिव्यू वगैरह सब कुछ देख ही पा रहे हो, कैसे आप लोग को स्पिन वगैरह करना होता है। दो तरीके से आप लोग को स्पिन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग सिंगल स्पिन करोगे नॉर्मल स्पिन यानी कि आप लोग को करना पड़ेगा 200 डायमंड से, और अगर आप लोग करोगे पांच स्पिन आपको देना पड़ेगा 900 डायमंड। एंड गाइस बाकी तो आप लोग यहाँ पर काफी सारे गन स्किन वगैरह देख पा रहे हो, मतलब लेजेंडरी गन स्किन यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलता है। AK-47 दिया गया है, M1014 दिया गया है, ऑग का गन स्किन दिया गया है। इस तरीके से आप लोग को बहुत सारे बेहतरीन गन स्किन बैक मिलेंगे अपने रमादान विश के अंदर। अब देखो एक मेन मुद्दे वाली बात यह है कि जब रमादान इवेंट हमको पिछले साल देखने को मिला था उस टाइम पे कुछ टाइम बाद हमें रमादान विश के बारे में अपडेट्स मिल गया था, लेकिन इस बार अगर हम बात करें रमादान विश के बारे में, रमादान पास के बारे में, दोनों के बारे में अपडेट्स अभी तक नहीं मिला है। और बस अब कुछ दिन बचे हुए हैं, रमादान खत्म हो जाएगा फिर ईद आ जाएगा। लेकिन देखो अगर अपडेट्स की बात करें, अब तक हमको रमादान विश हो चाहे रमादान पास हो, दोनों के बारे में एक बार भी हमें अपडेट्स देखने को नहीं मिला है। तो यार क्लियर ये बात नहीं हो पा रहा है कि क्या करने वाले इस बार हमें रमादान पास या फिर रमादान विश देंगे या फिर नहीं देंगे। बट हाँ अगर गेम के फाइल की बात करें, गेम के फाइल के अंदर भी हमें रमादान पास रमादान विश का कुछ भी बैनर वगैरह देखने को नहीं मिला है। सो ना तो अपडेट्स मिल रहे हैं ना ही गेम के फाइल के अंदर हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रहा है। तो तुम इतना जान लो कि शायद आप लोग को रमादान पास इस बार देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी। एंड हाँ रमादान विश का भी यही सीन है, शायद देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी। तो खैर गाइस फिलहाल हम वेट करते देखते करने वाले इसके बारे में कब तक अपडेट देते हैं। वैसे अगर आता है तो अगर आप लोग इसके अंदर स्पिन करते हो तो आपको मैं यही बोलूंगा कि भाई देखो आप लोग कोशिश कीजिएगा प्रीमियम स्पिन करने का। चाहे तुम एक स्पिन करो 900 डायमंड से, मतलब पांच स्पिन तो एक बार अगर करोगे तो एक बार ही करो, बट करो प्रीमियम स्पिन। उस पर आपको 100 डायमंड कम भी लगेंगे और एक ना एक गारंटेड रेयर आइटम मिलेगा ही मिलेगा। यह इवेंट का मेन खास बात है, 900 डायमंड से स्पिन करोगे अगर आप लोग को तो एक ना एक गन स्किन या फिर एक ना एक बंडल मिलेगा ही मिलेगा, जिस पर आप लोग स्पिन करोगे वो आप लोग को मिल जाएगा। खैर अब हम आगे बढ़ते वीडियो में, बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्ले के बारे में। खैर तो गाइस आओ देखते अपना फर्स्ट कमेंट, इमोट पार्टी कब आएगा और 2 रुपए की पेप्सी सनी भाई। तो गरना वालों अच्छे से सुन लो, भाई को क्या चाहिए। पहली बात, गेम के अंदर तुम एक स्टॉल लगाओ जहां पर पेप्सी मिलेगा और याद रहे वो 2 रुपए की होनी चाहिए। और दूसरी बात, इमोट पार्टी। अब वैसे फिलहाल तो इमोट पार्टी के बारे में लीक्स वगैरह नहीं मिला है, लेकिन अगर आगे जाकर मिलेगा लीक्स वगैरह तो आपको दे दूंगा। और स्टॉल वगैरह गेम के अंदर लगाया जा रहा है तुम लोगों के लिए ताकि तुम 2 रुपए से पेप्सी खरीद सको, ठीक है। तो अगला कमेंट देखते हैं। तो भाई अगला कमेंट कुछ ऐसा है कि सनी भाई प्लीज रिप्ले कर दो, इवो पापा बंडल कब आएगा। नहीं आज तक मैं इसी कमेंट का वेट कर रहा था कि कुछ इवो पापा के ऊपर कमेंट आ जाइए, मतलब तुमने इवो को पापा तक में लेके आ गए हो, बताओ। खैर गाइस देखो मुझे इसका कोई जवाब नहीं देना है, इसके लिए मुझे अगला कमेंट देखना पड़ेगा। सनी भाई स्कॉर्पियो का बंडल कब रिटर्न आ रहा है, मेरा कमेंट पिक कर लो प्लीज। तो जो स्कॉर्पियो इवो बंडल है फिलहाल गेम के अंदर बैक नहीं दिया जाएंगे क्योंकि इसके बारे में कुछ भी कंफर्म अपडेट्स या फिर लीक्स मेरे पास नहीं आया है। सो अगर लीक्स आएगा देन आपको बता दिया जाएगा। खैर इसके साथ अगला कमेंट पेश किया जाए जो कि भाई साहब कुछ ऐसा था, सनी भाई मेरा कमेंट्स दिखा दो, आपका ओल्ड सकरा बाइबर हूँ आपका, तुम्हारे वैसे मैं खुद भूल गया हूँ कि असल में होता क्या है। सबर कबर 2 नंबर से थ्रूट न आएगी, प्लीज सबर रखे और सेफ डिस्टेंस बना रखे। आप लोग भी मेरी बातों को ध्यान से सुने और मेरे चैनल पर आप लोग भी एकदम थ्रू टेंस चलाए ताकि मेरा भी थोड़ा सब्सक्राइबर सबर कबर सब सब कराइवर कराई सब क्राइम पेट्रोल पेट्रोल डीजल थोड़ा बढ़ जाए और कर दीजिएगा बस सबर कवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।